हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दो प्रोडक्टों के बारे में। उनमें जो पहला प्रोडक्ट है वो है एमस्टार और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है मीराडोर। किसान भाइयों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि यदि हम फसलों पर इनका प्रयोग करें तो हम मीराडोर को प्रयोग करें या एमस्टार को प्रयोग करें, कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज हम किसान भाइयों की इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि हमको फसलों पर कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, मीराडोर का करना चाहिए या एमस्टार का करना चाहिए। तो आज हम इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में सभी बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इन प्रोडक्टों को हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये किन किन रोगों पर काम करते हैं, इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इनकी कीमतें क्या हैं, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एमस्टार प्रोडक्ट और मीराडोर प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले हम बात करते हैं एमस्टार प्रोडक्ट के बारे में। तो एमस्टार प्रोडक्ट जो कि ये सिंजेटा कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसमें एक टेक्निकल पाया जाता है जो कि एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेट बोलते हैं। अब बात करते हैं मीराडोर प्रोडक्ट के बारे में। तो मीराडोर अडामा कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें भी एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेट बोलते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड हैं। अब बात करते हैं यदि हम इनका फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करते हैं। तो ये फसलों में लगने वाले अलग अलग रोगों को ये कंट्रोल करते हैं। फसल में कुछ बैक्टीरियल डिसीज लगते हैं, जैसे कि लीप स्पॉट रोग लगता है, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा ये फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाई बैग को कंट्रोल करते हैं, फ्रूट रॉट को कंट्रोल करते हैं, एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करते हैं, धान की फसल में शीत ब्लाइट को कंट्रोल करते हैं, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग रोगों को ये कंट्रोल करते हैं। लगभग फंगस से लगने वाले सभी रोगों को ये प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं और जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्टों को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सेब, आम, अंगूर, लीची, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मिर्च, टमाटर, बैगन, सेम, सोयाबीन, कपास, धान, मक्का। लगभग सभी फसलों में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो आप चाहे एमस्टार को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप मीराडोर को प्रयोग कर रहे हैं, आप फसल की किसी भी स्टेज पर इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी में भी आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। फसल की ग्रोथिंग स्टेज पर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर भी इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इन प्रोडक्टों को आप जब भी फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्टों को जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इनकी जो मात्रा है, इनकी मात्रा फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर और रोग के प्रकोप पर निर्भर करती है कि इनकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए। तो यदि हम चाहे मीराडोर को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम एमस्टार को प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो इनकी जो डोज है, इनकी डोज आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इनको नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मिर्च की नर्सरी में, टमाटर की नर्सरी में, बैंगन की नर्सरी में, फूल गोभी, बंद गोभी, इनकी नर्सरी में यदि हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनको आप 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोडक्टों का सीड ट्रीटमेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप आलू के सीड ट्रीटमेंट के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं तो आप इनको लगभग 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपकी फसल पर रोग का प्रकोप अधिक है तो आप इन प्रोडक्टों के साथ किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करें।
अब बात करते हैं कि इनका हमारी फसलों पर कितने दिनों तक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इनका जो रिजल्ट है, इनका रिजल्ट लगभग आपकी फसल पर 10 से 12 दिनों तक अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। यदि आप इसको स्टिकर के साथ प्रयोग करते हैं तब और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकी कीमतों की। तो इनकी जो कीमतें हैं, इनकी कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती हैं। पहले हम बात करते हैं एमस्टार फंजीसाइड की। एमस्टार की 1 लीटर की पैकिंग आपको मार्केट में 4,500 रुपये से 4,800 रुपये के बीच में मिल जाएगी। यदि हम बात करें मीराडोर की, तो मीराडोर की 1 लीटर की पैकिंग आपको 4,200 रुपये से 4,500 रुपये के बीच में मिल जाएगी। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, मीराडोर और एमस्टार, इन दोनों प्रोडक्टों में सेम टेक्निकल पाया जाता है, जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। तो किसान भाई, आप मार्केट से चाहे मीराडोर को भी ला सकते हैं, चाहे आप एमस्टार को भी ला सकते हैं, और दोनों एक समान प्रोडक्ट हैं, एक समान इनमें टेक्निकल पाए जाते हैं। तो आप बेझिझक आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ये रही जानकारी एमस्टार और मीराडोर प्रोडक्ट की। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।